कैसे चल रहा है डिमोनेटाइजेशन? आपने भी कर लिया होगा ना वो पेटीएम, वो भी क्विक फ्री चार्ज पेटीएम। यार क्या बड़े बड़े एड्स, क्या बड़े बड़े रेडियो जिंगल आए, हाय गजब भैया, कैशलेस इकोनॉमी, हैशटैग नोटबंदी। लेकिन कभी सोचा है कि आपका जो पैसा है डिजिटल वॉलेट पे, पेटीएम जैसे वॉलेट्स पे, इज इट सेफ? एक सेकंड की नजरअंदाजी एंड एनीवन कैन स्टील मनी आपके पेटीएम वॉलेट से। विश्वास नहीं हो रहा, अभी दिखा देता हूँ। तारिणी को कोई अंदाजा नहीं है कि मैं उसके पेटीएम वॉलेट से पैसे छीनने वाला हूँ। तारिणी यार फोन देना, मेरा बैलेंस खत्म हो गया, एक कॉल करना है। है या नहीं है पहले ये बता दे। अनलॉक तो कर ले। कर तो दिया। ओ थैंक यू दिखाएंगे। थैंक यू। ऑलराइट फोन अनलॉक्ड है। सो दिस इज तारिणी'स फोन, शी हैज गॉट 490 रुपीस। ऑलराइट आई एम क्विकली गोना गो टू पे। I go to my profile, I click on the QR code, Tarini has no idea what's going on, click on this, enter amount, I don't want to make her broke, so 50 rupees just to show you guys, proceed to send, send money, success, oh and don't forget to, jo bhi notifications honge wo hata dena isme se, and there you have it, 50 rupees meri Paytm mein aa gaye hain. She doesn't even know कि मैंने उससे पैसे छीन लिए हैं। Thanks यार। तभी होगा ना। So। समझ जा। तो सुबह से ये चल। Digital wallet, मोदी साहब, Paytm, Mr. विजय शेखर शर्मा, is it safe? लाखों लोग और उनके पैसे डिजिटल वॉलेट्स में सेफ नहीं है, खतरा है उनके चुराए जाने का। और ये स्थिति बदल सकती है अगर पेटीएम और डिजिटल वॉलेट की कंपनियां इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स डाल दें जैसे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में होते हैं। आपको मोबाइल पिन मांग सकता है, एक नया पासवर्ड मांग सकता है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन हो सकता है। उतना नहीं तो एटलीस्ट जब पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से मैं बाहर निकल जाता हूं हर सेशन के बाद मुझे लॉग आउट कर दीजिए। एटलीस्ट अगर किसी के हाथ में मेरा फोन अनलॉक रूप में आ जाता है, पहुंच जाता है पेटीएम के वॉलेट में, जो मेरे पैसे होंगे वो तो कोई चुरा नहीं पाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता मैं सीरियसली एडवाइस करूंगा कि आप अपने डिजिटल वॉलेट्स में थोड़ी क्या कोई भी रकम उसमें पार्क मत कीजिएगा जब भी जरूरत पड़े। हालांकि थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन सिर्फ तभी पैसे डालिएगा जब आपको एक्चुअल ट्रांजैक्शन करना होगा।